तुम अपना सामान अपना ताम जाम उठाओ जाओ यहाँ से। अरे जाओ बाहर बैठो से देखते रहो। गोपाल बाबू, अरे बशीर आना भाई आना। अरे भाई जाओ यहाँ से वरना दादा ऐसा हैंडल घुमाएगा कि जबान गुंगी हो जाएगी, समझे? पंडित जी, डॉक्टर बाबू क्या बोलना मांगता है सुनो तो सही। अरे बशीर, तुम्हारे घर में अगर कोई बहू बेटी होती ना तो तुम भी ना सुनते जो डॉक्टर कह रहा है। हमारा घर में बहू बेटी नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस मोहल्ले में जितना भी औरत है सब हमारा माँ बहन के बराबर है। डॉक्टर बाबू तुम्हारा भोला के वास्ते बोलता है, उसको सुनो तो सही। अच्छा भाई, अच्छा भाई डॉक्टर, बोलो भाई बोलो जो बोलना है, जल्दी बोलो। बैठो भाई बैठो, बैठो भाई बैठो, बोलो डॉक्टर बाबू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वो हालत बयान करूंगा जो आजादी के 20 सालों में हर किस्म की तरक्की करने के बाद भी हमारे देश की है। इन 20 सालों में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिनमें पहली बार खेती की गई, कई नए नए डैम्स बने, हलों की जगह ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, अनाज की पैदावार हर साल पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज भी खाने के लिए अनाज बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ता है। हजारों नए अस्पताल खुले हैं लेकिन सभी मरीजों को अब भी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। कई नई नई फैक्ट्रियां खुली हैं, बड़े बड़ी मिलें खुली हैं, बड़े बड़े दफ्तर खुले हैं लेकिन बेकारी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हजारों नए स्कूल खुलने के बाद भी आज भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूलों में जगह नहीं मिलती। जानते हैं इसकी वजह क्या है? जी साहब आप खुद ही बता दीजिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह खुद हम लोग हैं। हम लोग? जी हाँ, हिंदुस्तान में हर 2 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है। अंदाजा लगाइए 1 मिनट के बाद 30 बच्चे, 1 घंटे के बाद 1,800 और 1 दिन में 43,200 बच्चे पैदा होते हैं। 43,200? जी हाँ, और 1 साल के बाद 1,50,00,000 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। उनको खिलाना पिलाना, उनको अच्छी तालीम दिलाना, उनके लिए नए घर बनाना, उनके लिए नए अस्पताल बनाना, ये हमारा फर्ज है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी मुल्क कितनी भी तरक्की कर लेने के बावजूद क्या इस काबिल बन सकता है कि हर साल 1,50,00,000 नए लोगों के लिए घर, कपड़ा, दूध वगैरह 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 का इंतजाम कर सके? अजीत साहब, आबादी तो हर देश की बढ़ती है क्योंकि सभी की हालत खराब है। दुनिया के जितने भी खुशहाल और सुखी देश हैं उनमें से किसी की भी आबादी इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि हमारे देश की बढ़ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी सुखी हो तो हमें भी अपने परिवार को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना कि हम सुखी रख सकें। अगर हम चाहें तो दवाइयाँ, ऑपरेशन और दूसरे तरीकों से उन बच्चों को इन संसार में आने से रोक सकते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह पालने की हिम्मत नहीं रखते। राम 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 राम। अजी डॉक्टर साहब, आप हमें धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। एक बात बताइए पंडित जी। पूछिए। धूप भगवान की देन है ना? हाँ। तो फिर उससे बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जिस तरह धूप भगवान की देन है और उससे बचने के लिए हम छाते का इस्तेमाल करना अधर्म नहीं समझते, उसी तरीके से बच्चों के बोझ से बचने के लिए अगर हम दवाइयां, ऑपरेशन और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कोई अधर्म या शर्म की बात नहीं है। जिन जिन परिवारों में 3 से ज्यादा बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि उनका परिवार और ना बढ़े तो वो हमारी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं चाहता हूँ जब तक मेरी आमदनी न बढ़े तब तक मैं बच्चे पैदा न करूँ, इसका कोई तरीका है? क्यों नहीं सिस्टर। यस सर। इनका नाम लिखवा दो। आइए। हाँ तो भाइयों और बहनों, जो मैंने समझाना था समझा दिया। डॉक्टर बाबू आप धन्य हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरे 8 हैं, मुझे धर्म संकट से बचाइए, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूं। वेरी गुड।